एवरीवन। सो सबसे पहले आज तो रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन का सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। बेसिकली आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी जेई के बारे में। ऑलरेडी मैंने काफ़ी साल पहले, क्योंकि एसएससी जेई का वैकेंसी बहुत दिन के बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है, काफ़ी साल पहले मैंने जॉब प्रोफाइल बताया था, जिसे मैंने वर्क से रिलेटेड कई सारा काम वगैरह मैं उनसे रिलेटेड आप लोग को बताया था। और आज जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग का एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है एसएससी जेई में, जैसे कि आप लोग को भी पता चल ही गया होगा अगर आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट होंगे। आप पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के बीच में लेके आने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट आप लोग के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण होगा, तो मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। एंड जैसे कि आप लोग को मालूम है कि एसएससी जेई की जो वैकेंसी आती है उसमें सिविल हो, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये तीन ब्रांच वाले अक्सर इस फॉर्म को फिल करते हैं। बाकी और भी जैसे ब्रांच है, सीएस है, आईटी है, इन सब के लिए वैकेंसी नहीं निकालती है। और बहुत ही साल के बाद, खास करके तो मैं मैकेनिकल वाले के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिकल का वैकेंसी देखिए पहले बहुत ही मार्केट में डिमांड हुआ करता था एसएससी जेई के बारे में, बट आने वाला कुछ टाइम में अगर हम बात करने वाले हैं तो जो एसएससी जेई का मेरे ख्याल से तैयारी भी करना लोग बंद कर दिया हो, बहुत ही कम वैकेंसी अब दिखने लगा था, जिस कारण से बच्चा भी डिमोटिवेट होकर जॉब करने लगा था, खास करके मैकेनिकल वाले। सिविल वाले तो अभी भी अपना तैयारी करते ही रहते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इस महीने तो किसी और में वैकेंसी आना ही है। मैकेनिकल का वैकेंसी ऐसे भी तो कम होती है एसएससी जेई में, बट यहाँ पे क्या है कि बहुत टाइम के बाद देखने को मिला। तो खैर, हम इन सब के बारे में कभी और डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग का तो ऐसे नहीं कि आप लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, किसी और वीडियो में आप लोग का कमेंट का रिप्लाई देने के जरूर कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखिएगा, जो एसएससी जेई का वैकेंसी, वहाँ पे इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी फॉर्म फिल करते हैं और एमटेक वाले भी बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्म फिल कीजिएगा डिप्लोमा वाले, नहीं। एसएससी जेई का जो वैकेंसी, सभी कोई फॉर्म फिल करते हैं जिसके पास टेक्निकल डिग्री है, बीई हो, बीटेक है, एंड एमटेक वाले तक फॉर्म फिल करते हैं। जैसी मतलब है कि इंजीनियरिंग करेगा तो ही तो एमटेक कर पाएंगे। नाउ मिनिमम जो एज है, काफी सारे जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम होते हैं कि भाई एज क्या होनी चाहिए। तो एज जब से ऑफिशियली नोटिफिकेशन का डेट दे गया तब से आप लोग का 18 साल पूरा जाना चाहिए, इस चीज को आप लोग जान लीजिए। क्योंकि जो डिप्लोमा करते हैं, टेंथ करके जो आते हैं, उनका 18 साल बेसिकली नहीं पूरा पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग जान लेंगे एज के बारे में। यहाँ पे एज मिनिमम एज बेसिकली मेंशन भी नहीं किया, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। हाल ही का अगर मैं थोड़ा सा ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो अभी एक्टिव नहीं किया गया, मेरे पास ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है। आएगा तो मैं एक और वीडियो आप लोग को होगा तो बना देंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो। हाल ही का एक ऑलरेडी हम काफी सारा वीडियो बना चुके हैं कि किस विभाग में बेसिकली जेई का वैकेंसी होती है, जैसे कि यहाँ भी हम देखने की कोशिश करें बीआरओ का काम क्या होता है। जितना भी आप बॉर्डर देखते हैं, बॉर्डर वाले जितने भी इलाका होते हैं वहां पे उनका क्या क्या होता है कि सड़क बनाता है, सड़क बीआरओ ही बनाता है। CPWD ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इनके बारे में मुझे लग रहा है ज्यादा कुछ नहीं। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में बेसिकली वैकेंसी आई है। नाउ इनके अलावा बात करने वाले हैं CWC में वैकेंसी, काफी सारा वैकेंसी आप लोग को दिखेगा। और हाँ, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ऑलरेडी ये डिपार्टमेंट ऑलरेडी अपना इंजीनियरिंग लेवल पर निकालते ही निकालता है, जेई के थ्रू भी इस डिपार्टमेंट जाते हैं। सैलरी तो हम तो ये बोलेंगे सिर्फ जॉब लग जाए, बाकी सैलरी का आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, और इनमें प्रमोशन भी जल्दी होती है और सैलरी भी टाइमली आता है। जैसे कि अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट में आप जॉब करते तो वहाँ पे सैलरी टाइमली नहीं आती सबसे पहले तो। हाँ, ऐसा नहीं कि टाइमली नहीं आती, बट अब मैक्सिमम जगह कंडीशन सही हो चुका है, बट कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है सैलरी टाइमली नहीं आती, प्लस वहाँ प्रमोशन का काफी सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बट यहाँ पे प्रमोशन बहुत ही अच्छा खासा आप लोग को ग्रो देखने को मिलेगा ना, बाकी सैलरी तो आप लोग भूल ही जाइए, सैलरी काफी अच्छा है जेई का, ठीक है। नाउ आगे और हम आप लोग को बताने वाले हैं कि देखिए क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि आप लोग को भी पता होगा कि मैं केवल जीएस सेक्शन ही देखता हूँ यहाँ पे, हालांकि टेक्निकल भी है, रीजनिंग भी है, और आप लोग का कुछ जो जीएस सेक्शन है, और आप लोग को मैं बात करूँ यहाँ पे जीएस सेक्शन में मैं करेंट वाले के साथ देखने वाला हूँ। साथ में अगर आप लोग मेरे पेड ग्रुप ज्वाइन हो रहे हैं, देखिए हम बहुत ही एक मिनिमम चार्ज कर रहे हैं जिसके 600 और आपके एग्जाम तक 7 होते हैं, और जिसमें हम आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट के अलावा टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और उन्हीं के साथ हम आप लोग के बीच प्रोवाइड करने वाले लगभग 100 टॉपिक का आप लोग का वीडियो, ठीक है। सारा कुछ आपको प्राइवेट वीडियो होगा, थ्योरी मतलब जो भी आपका नोट्स वगैरह जीएस सेक्शन का जो भी कुछ होगा वो A to Z आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, और वो आप लोग के एग्जाम के लिए मैं जितना दे रहा हूँ आप बस इतना करके जाइए। एक्स्ट्रा आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, बट मैं जितना दे रहा हूँ आप बस उतना पढ़ के जाइए, और थोड़ा सा आप भी बिलीव रखा कीजिए, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होगा या यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो वहाँ से रहें। तो कुछ ये था, और यहाँ पे हम आप लोग को बता दें कि इनका सिलेबस मैं आप लोग को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ आखिर सिलेबस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ, जो भी आपका ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो या चाहे सिविल हो, तो वो तो फिक्स है कि एक पेपर में आप लोग का ब्रांच पूछेगा। दूसरा सिलेबस क्या होता है जीएस का, देखिए जीएस का सिलेबस कभी आप लोग का ब्रीफली में बताते नहीं है, सिर्फ ये बता दिया जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी ये चीज़ हमें एनालाइज करना होता है। हम लोग इस तरह देखेंगे आपका कि देखिए
हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं पढ़ना तो बहुत ही कुछ होता है। और हाँ एक चीज मैं और आप लोग को बता दूं कि आप लोग टेक्निकल है तो ये मत सोच लीजिए कि बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी ऐसा मत तो ये मत सोच लीजिएगा कि टेक्निकल वैकेंसी है तो हम लोग का जीएस क्वेश्चन बेसिक पूछेगा, कभी ऐसा मत सोचिएगा आप लोग। और हाँ सिलेबस में क्या होता है आप लोग का करेंट अफेयर भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि करेंट अफेयर नहीं पूछा जाता है, करेंट अफेयर पूछा जाता है आप लोग का, हिस्ट्री पूछा जाता है, पॉलिटी पूछा जाता है, एंड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है अल्टरनेटिव, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप लोग के एग्जाम में अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग का खास करके एसएससी में पूछा जाता है। तो इनके अलावा आपका पॉलिटी ज्योग्राफी एंड सारा कुछ आप लोग का पूछा जाएगा, और यहाँ पे साथ में जो भी योजनाएं वगैरह होती है वो तो करेंट अफेयर का सेक्शन है, वो मैं खुद ही आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इनके अलावा कोई और भी क्वेश्चन है, कोई और भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।